हेलो स्टूडेंट, वी आर बिगिनिंग कॉन्सेप्ट का ये थर्ड एमसीक्यू है। इससे पहले आपने जो है दो एमसीक्यू आपने देख लिया होगा, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा होगा जाके देख लें, ठीक है। तो इस पूरे सीरीज में हम जो है वेब डिजाइनिंग के ऊपर जो है एमसीक्यू देखेंगे। ये बहुत ज़्यादा जरूरी होगा आपका किसी कंपटीशन एग्जाम में, किसी किसी कंपनी के इंटरव्यू एग्जाम देते हो उसमें जरूरी होता है। किसी भी अगर और भी अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म फिल करते हो जहाँ पर आपका कंप्यूटर सेक्शन कवर करते हैं, तो वहाँ भी ये चीज़ें क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बकवास ना करते हुए, ठीक है, इसको चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है थ्री सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई ए आर पी ए नेटवर्क, ठीक है। ए आर पी ए का फुल फॉर्म क्या होता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। ये आपका स्टार्टिंग में आया था, जब नेटवर्क जब स्टार्टिंग फेज था तो उसी टाइम ये आया था, ठीक है। ये जनरली मिलिट्री के लिए यूज किया जाता था। तो इसका जो फुल फॉर्म आपका होता है, तो इसका जो क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, इसका जो आपका होता है वो रिमोट लॉग इन, फाइल ट्रांसफर एंड रिमोट प्रिंटिंग, आपका जो है इसका मेन काम था, ठीक है। नेक्स्ट, स्क्रिप्ट टैग कैन बी प्लेस्ड विद इन, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग कहाँ प्लेस कर सकते हो, लिखा क्या है, हेडर हेडर फुटर, नहीं ऐसा कुछ नहीं, फुटर कोई वो नहीं होगा, ठीक है। हेडर हेडर बॉडी, ठीक है। हेडर मतलब हेड सेक्शन में, बॉडी सेक्शन में इसको प्लेस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, पैकेट ऑफ एन इंटरनेट मैसेज, ठीक है। पैकेट ऑफ इंटरनेट मैसेज क्या होगा, टेक अ डिटरमाइंड प्री डिटरमाइंड पाथ। तो प्री डिटरमाइंड पाथ इसलिए नहीं होगा कि हो सकता है कि आप प्री डिटरमाइंड पाथ सेट करते हो और किसी एक रूट पे जो है आपका बहुत ज़्यादा जो ट्रैफिक आने के कारण जो है उस पाथ पे वो जा नहीं पाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर उस पाथ पे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा पाथ पैकेट पहुँचने में। तो ऐसे सिनारियों में क्या होता है, ये इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो नेटवर्किंग का है, ये थर्ड क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कि नेटवर्किंग में क्या होता है। एक जो है, इसे मान लो आप एक जो है सेंडर हो और एक बंदा जो दूसरे सिटी में या दूसरे कंट्री में बैठा हुआ रिसीवर है, तो हमारे बीच में कई सारे जो है पाथ आएंगे, कई सारे जो है नेटवर्क आएंगे, उसको अलग अलग डाइवर्ट किया जाएगा, ठीक है। जैसे आप राउटर यूज करते हो, आगे 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 चल के गेटवे यूज होता है, तो अलग अलग पाथ हमारे में सेट होते हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ा ग्राफ समझ सकते हो, उनमें सेट होते हैं। तो किसी एक प्री डिटरमाइंड पाथ पर से नहीं जा सकता कि क्योंकि प्री डिटरमाइंड पाथ पर अगर ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि वहाँ से पहुँचने में पैकेट को काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए जो है उसको जो है डाइवर्ट कर दिया जाता है किसी और पाथ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेक ए पाथ बेस्ड ऑन पैकेट प्रायोरिटी, नहीं ऐसा भी पैकेट प्रायोरिटी का कोई मतलब नहीं होगा, जो जो पाथ अवेलेबल होगा उसी पाथ पे जा सकता है। अगर पाथ पे ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो प्रायोरिटी का कोई लेना देना नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। गो अलॉन्ग डिफरेंट पाथ बेस्ड ऑन पाथ अवेलेबिलिटी, ठीक है। हाँ यही, जब जाओ जो पाथ अवेलेबल होगा, जो पाथ खा जो जिस पे आप अवेलेबल पा जाओगे, जो चीज़ भेजने लायक होगा, मतलब जहाँ पर ट्रैफिक कम होगी या कॉस्ट कम लगेगा, बोल सकते हैं ग्राफ, अगर ग्राफ थ्योरी में जाते हैं तो कॉस्ट कम लगेगा, तो वहाँ से जो है ये सेंड हो जाता है। टेक द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन, बिल्कुल नहीं। शॉर्टेस्ट पाथ जैसे सिंपल बात है, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आपको एक एक पाथ है जो बहुत ज़्यादा शॉर्टेस्ट है, लेकिन वहाँ पर इतना बहुत मार्केट ज़्यादा लगी हुई है, उसमें तो जाम लगा हुआ है, भले वो शॉर्टेस्ट पाथ है लेकिन आप वहाँ से नहीं मूव करोगे, क्योंकि आपको मालूम है अगर उस पाथ से हम जाते हैं तो हमको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इसी कारण क्या होता है कि आपका खुद का पाथ जो आप डाइवर्ट कर दोगे, जो भले जो थोड़ा लॉन्गेस्ट रूट पड़ेगा लेकिन उसमें आप जाना पसंद करोगे, क्योंकि वो जल्दी पहुंचा देगा आपको, क्योंकि आपका शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो थोड़ा सा वो जो है आपका काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक वाला है, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम यही पैकेट में होती है, जब भी हमारा शॉर्टेस्ट पाथ अगर लोगे तो उसमें अगर ट्रैफिक ज़्यादा होता तो प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी, ठीक है। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग यूज टू रिफ्रेश, सॉरी रिफ्रेश करने के लिए आप यूज करते हैं, F5 का यूज करते हैं रिफ्रेश करने के लिए, आपको मालूम होगा, ठीक है। URI इज यूज टू, URI का लास्ट लास्ट में हम बताया था, URI का फॉर्म क्या था, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है, ये क्या कहता है, लिंक लिंक टू अनदर डॉक्यूमेंट और सोर्स, सही है, करेक्ट है, ठीक है। क्रिएट एन इमेज मैप, ये भी सही है। साइट टू एक्सटर्नल रिफरेंस, ठीक है, ये भी सही है। तो इसका मतलब आपका जो करेक्ट आंसर है वो यही है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है। ये लास्ट वीडियो में इसका ये मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है, वही सेम क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो वही क्वेश्चन यहाँ उठा के आ गया, क्या लिखा है, आ इंक्लूड द प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल द ब्राउजर यूज टू एक्सेस द फाइल, ठीक है। पहले क्या लिखा है, मेन यहाँ URL के ऊपर ही क्वेश्चन है, तो आप सबने देख लो URL के ऊपर ही क्वेश्चन है। तो क्या पहला क्या लिखा है, प्रोटोकॉल जो है पूछ रहा है कि प्रोटोकॉल आपका इंक्लूड करता है सर्वर टू द डोमेन नेम, ठीक है, सर्वर टू डोमेन नेम। तो सर्वर बता दें, डोमेन नेम बता दें यहाँ पर, रिलेटिव पाथ
एंड फाइल नेम, तो इसका मतलब सारी चीजें इसमें इंक्लूड कर रहा है, प्रोटोकॉल भी आ रहा है, डोमेन नेम भी आ रहा है, रिलेटिव पाथ भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। इसका मतलब इसको बोलेंगे कंप्लीट यूआरएल है, ठीक है, जितनी चीजें होनी चाहिए वो सारी चीजें हैं, सारी चीजें हैं, तो कंप्लीट यूआरएल ही है आपका, ठीक है। यूआरएल ये असिंक, ठीक है, इसमें क्या यूआरएल को क्या बोला जाएगा, तो यूआरएल को बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। अब दो द पर्पज ऑफ मार्कअप इज टू, ठीक है, मार्कअप का पर्पज क्या होता है, एड हाइपर टेक्स्ट कैपेबिलिटी, हाँ ये करेक्ट आंसर है, इनहेंस द डॉक्यूमेंट, हाँ दोनों इसका काम होता है, डॉक्यूमेंट को भी इनहेंस कर देता है, तो इसका आंसर जो होगा आपका वो ए एंड बी हो जाएगा, ठीक है। टीसीपी स्ट्रैंड का, टीसीपी आपका होता है प्रोटोकॉल होता है, ट्रांसमिशन इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो पहला तो आंसर आपका सही लग रहा है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रिलायबल प्रोटोकॉल होता है, इसके थ्रू जो भी डेटा आप सेंड करते हो वो आपका 100% गारंटी होती है कि डेटा पहुँचे ही पहुँचेगा, क्योंकि अगर डेटा नहीं पहुँचेगा तो फिर से डेटा सेंड कर देता है। और एक होता है यूडीपी, यूडीपी होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, वो आपका जो है वो कोई रिलायबिलिटी नहीं होती है, यूडीपी जनरली यूज किया जाता है ब्रॉडकास्टिंग में, जहाँ पर हम डेटा सेंड करते हैं, सर्वर रिसीवर सेंड रिसीव करे चाहे ना करे, उससे हमको लेना देना नहीं होता, जैसे आपका जो ये होता है रेडियो सिग्नल, ठीक है, जब रेडियो यूज करते हो तो उसमें आपका यूडीपी यूज हो रहा होता है, जब भी आप फाइल सेंड करते हो, फाइल सेंड करने के लिए एफटीपी तो काम कर रहा होता है, लेकिन एफटीपी जो काम करता है वो यूडीपी टीसीपी के ऊपर काम करता है, तो वहाँ पर 100% फाइल सेंड हो जाती है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, योर वेब ब्राउजर मे बी एबल टू प्लेस सम टाइप्स ऑफ फाइल डायरेक्टली, ठीक है, वेन एवर योर ब्राउजर इनकाउंटर ए फाइल इट कैन नॉट प्ले, ठीक है, यहाँ पर जब भी हम कोई बहुत से फाइल ऐसी होती है जो डायरेक्टली ओपन हो जाती है, जैसे आपका अगर टेक्स्ट फाइल है डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, और पीडीएफ फाइल है अगर पीडीएफ फाइल ओपन हो जाता है, ये पूछा है अगर जो फाइल जो है ब्राउजर इनकाउंटर प्ले नहीं कर पाता तो क्या करता है, तो सिंपल बात है डाउनलोड कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इट डज नॉट एग्जीक्यूट ए फाइल, ठीक है, मतलब एग्जीक्यूट नहीं करता है, इट डिस्प्ले एन एरर मैसेज, नहीं ऐसा भी नहीं, एरर मैसेज क्वेश्चन डिस्प्ले करता है, इट कॉपी द फाइल टू योर कंप्यूटर एंड रन द हेल्पर एप्लीकेशन, ठीक है, तो यही होता है, यही आपका सही है, कॉपी कर देता, और ठीक है इसका करेक्ट आंसर यही है, ठीक है, जैसे देखोगे अब डाउनलोड ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है, ठीक है, उसके बाद उसको क्लिक करके आप उसके भी किसी भी एप्लीकेशन में उसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग टैग डू नॉट रिक्वायर ए टर्मिनेटर, ठीक है, टर्मिनेटर का यूज कौन, जो भी इम्प्लिसिट टैग होते हैं, तो दो टाइप के टैग आपने एचटीएमएल में पढ़े होंगे, वो एक होता है कंटेनर टैग और एक होता है इम्प्लिसिट टैग, कंटेनर टैग को हमेशा क्लोज करने की जरूरत पड़ती है, तो यू आपका जो है अंडरलाइन टैग जो होता है वो आपका कंटेनर टैग होता है, इसको क्लोज करने की जरूरत पड़ती है, बी आर आपका जो होता है वो कंटेनर टैग नहीं होता, वो इम्प्लिसिट टैग होता है, इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, इस तरह से एच आर करके होता है, इमेज टैग होता है, ये सारे आपके क्या होते हैं, आपका इम्प्लिसिट टैग होते हैं, इनको जो है आपको वो मतलब क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है, टर्मिनेट करने की जरूरत नहीं है। टर्मिनेट कैसे करते हैं, टर्मिनेट करने के लिए क्या करते हैं, आगे से स्लैश लाइन लगा देते हैं, तो अभी आपका जो टर्मिनेट हो जाता है, ये ओपनिंग टैग होता है, ये टर्मिनेशन टैग होता है, ठीक है, इस तरह से करके हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या है वो आपका वो बी आर है। नेक्स्ट आर यूज टू विजुअली डिस्प्ले टू नेविगेट डिफरेंट पेजेस, तो यहाँ पर नेविगेट डिफरेंट पेजेस की बात कर रहे हैं, तो उसका जो मेन आपका होता है वो इमेज मैप होता है, इमेज मैप क्या करता है, किसी एक इमेज के ऊपर आप अलग अलग जो है अलग अलग यूआरएल सेट कर सकते हो, कि अलग अलग जहां मतलब आप एक इमेज में किसी एक सेक्शन में क्लिक करोगे तो किसी दूसरे पेज पे चला जाएगा, किसी दूसरे सेक्शन में क्लिक करोगे तो किसी दूसरे सेक्शन में चला जाएगा, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक इमेज मैप के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, जिन्होंने उसको नहीं देखा हुआ है वो वेब डिजाइनिंग के जो उसमें जाकर के इमेज मैप सर्च करके उसमें देख सकते हैं, ठीक है, मेरे चैनल में पड़ा हुआ है, वेब डिजाइनिंग का पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें जाकर देख लें, ठीक है। द टीसीपी आईपी इज ए इम्प्लाइड सूट ऑफ प्रोटोकॉल डेट हैज बीन मेड स्टैंडर्ड बाय, ठीक है, तो ये आपका जो हुआ था वो आपका यूएन सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के थ्रू जो है ये आपका है, ठीक है, ठीक है, आईएसओ का आपका एक अलग आपका होता है, ठीक है, तो उसमें 7 लेयर होते हैं, ये आपका टीसीपी आईपी में जो है आपका क्या होते हैं वो आपका 4 लेयर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है,
फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर लिस्ट यूज द टैग, कौन सा यूज टैग यूज करता है, वो टैग यूज किया जाता है ओएल टैग का। ओएल टैग का, ओएल का मतलब ऑर्डर लिस्ट का। यूएल के लिए होता है अनऑर्डर लिस्ट के लिए। एच वन आपका हेडिंग टैग है, ठीक है, एच वन आपका अलग ही टैग है, उसको इससे कुछ लिस्ट नहीं क्रिएट होती है। एम एल, एम एल आपका कोई टैग नहीं होता है एचटीएमएल में, ठीक है। द टैग डिफाइंड है मल्टी लाइन टेस्ट इनपुट, ठीक है, मल्टी लाइन टेस्ट इनपुट, इनपुट भी यहाँ बोला जा रहा है, ठीक है। तो पैराग्राफ, पैराग्राफ तो इनपुट के लिए बिल्कुल नहीं होता, मल्टी लाइन में ऐसा कुछ टैग नहीं होता। टेस्ट बॉक्स भी यहाँ पर कोई टैग नहीं होता। टेस्ट एरिया आपका जहाँ पर करेक्ट आंसर है, टेस्ट एरिया जहाँ पर मल्टी लाइन इनपुट आप दे सकते हो। व्हाट डू यू थिंक इज नॉट करेक्ट इज इन रिगार्ड टू द ईमेल सिस्टम, ठीक है, कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है। तो पहला देखते हैं, यूजिंग इंक्रिप्शन यू कुड इलेक्ट्रॉनिकली डिलीवर्ड कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट सेविंग टाइम एंड मनी। हाँ बिल्कुल सही है कि आपका जो है टाइम भी बचता है, वो भी बचता है, और प्लस जो है आपका इंक्रिप्शन मतलब डेटा जो है आपका कोडेड फॉर्म में ट्रांसफर होता है, ठीक है, कोई उसको पढ़ नहीं सकता है। लिमिटेड ओनली टू द लोकल नेटवर्क, नहीं बिल्कुल नहीं, इसका ये तो ये आपका ये रॉन्ग ही है, ठीक है, यही आपका ये रॉन्ग है यहाँ पर कि लोकल नेटवर्क नहीं होता, पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं भी आप डेटा सेंड कर सकते हो, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं इसमें, कॉस्ट ऑफ सेंडिंग मैसेज अक्रॉस द वर्ल्ड इज सेम एज दैट सेंडिंग अक्रॉस द सिटी। यहाँ से वाली बात है, पूरे वर्ल्ड में जितना आपका कॉस्ट लगेगा उतना ही आपका जो है आपका सिटी में सेंड करने में मेल उतना टाइम लगेगा, सही है। इफ द रिसिपेंट इज नॉट अराउंड द मैसेज डिलीवर्ड टू हिज मेल बॉक्स, हाँ सही है। अगर मतलब सिंपल बात है, कोई मुझे मेल कर रहा है, अगर मैं उस समय ऑनलाइन नहीं होगा तो मेरे मेल बॉक्स में चला जाएगा, जब भी मैं ऑनलाइन होगा तो मैं उसको मेल बॉक्स में पढ़ सकता हूँ, ये सही करेक्ट आंसर है। इसीलिए मेल को जो होता है वो बोला जाता है कनेक्शन लेस सर्विस, जहाँ पर हमको जो है कनेक्शन दोनों तरफ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं होती है, केवल कि सेंडर का अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश करके डेटा सेंड करता है। आपका जो जो रिसीवर होता है वो जब भी ऑन हो, जब भी कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा वो अपना ऑटोमेटिक मैसेज देख लेगा। अगर कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस की बात करते हो तो जैसे आप कॉलिंग करते हो किसी को, कॉलिंग करने के समय जब तक सामने वाला बंदा फोन नहीं उठाएगा तब तक उससे आप कोई भी बात नहीं कर सकते, कोई भी मैसेज आपका जो है ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो वो आपका जो एग्जाम्पल होता है कनेक्शन ओरिएंटेड का, खासकर जैसे वीडियो कॉल करते हो, ऑडियो कॉल करते हो, जब तक सामने वाला बंदा जो फोन रिसीव नहीं करेगा तब तक आप उससे बात नहीं कर सकते हो, ठीक है। और कनेक्शन लेस सर्विस की मतलब होता है कि अगर आपने किसी को मैसेज किया तो अगर सामने वाला बंदा अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है कोई मतलब नहीं, जब भी वो अवेलेबल होगा तो वो मैसेज बाद में रीड कर सकता है। जैसे व्हाट्सएप पे जब भी मैसेज करते हो, सामने वाला बंदा जब भी ऑनलाइन आएगा उसको मैसेज को रीड करते हो, उसको बोलते हैं कनेक्शन लेस सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट, द टैग टू गिव विजुअल डिविजन बिटवीन सेक्शन ऑफ द पेज विच कॉज द ब्राउजर टू ड्रा एंड एम्बोस्ड लाइन, ठीक है। एम्बोस्ड लाइन जब भी क्रिएट होता है वो किससे क्रिएट होता है, एचआर से क्रिएट होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रूल इसका फुल फॉर्म होता है, एचआर से आप क्रिएट कर सकते हो लाइन, ठीक है। तो इसे यहाँ पे प्रति इन दोनों के बीच में लाइन आ रही है, उस तरह से जो है उसमें एचआर के थ्रू से लाइन क्रिएट कर, चलिए तो वर्ड है, एमएस वर्ड है तो इसमें तो अलग वही अलग आ रहा है, ठीक है। लेकिन इस तरह से पतला सा लाइन क्रिएट हो सकता है, पतला मोटा जितना करना होगा वो डिपेंड करता है, साइज जितना सेट कर दोगे उस तरह से वो सेट हो जाएगा, ठीक है। हाइट भी सेट कर सकते हो उसमें आराम से। एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन लिंक्ड एंड करेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो कौन सा एट्रीब्यूट है, तो वो दो, ये आपका रियल एट्रीब्यूट है, ठीक है, ये ही आपका जो है स्पेसिफाई करता है। लेकिन ये एट्रीब्यूट किसमें यूज किया जाता है, ये एट्रीब्यूट होता है लिंक टैग होता है, ठीक है, उसमें यूज किया जाता है लिंक टैग, ठीक है। जिन्होंने लिंक टैग नहीं पढ़ा हो लिंक टैग पढ़ लें, लिंक टैग के थ्रू ही आप जो है एक्सटर्नल स्टाइल सीट को जो है मतलब सी एस एस फाइल को जो है लिंक करते हो, लिंक टैग के थ्रू आइकन आप सेट करते हो अपने ब्राउजर के ऊपर, ठीक है। तो मतलब वेबसाइट का जो आइकन होता है जो ब्राउजर के ऊपर आता नहीं, जैसे गूगल, अगर जैसे यहाँ पर अगर गूगल ओपन करते हो तो यहाँ पर जो यहाँ आइकन आ रहा है, ठीक है, ये भी आइकन जो होता है आप जो है वो सेट करते हो आप किसके थ्रू, लिंक टैग के थ्रू, ठीक है। उसको आप देख लेना कैसे होता है, इसके मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, ठीक है। द वेब रिलाई ऑन द फॉलोइंग मैकेनिज्म टू मेक इट्स रियूज रिडेबली अवेलेबल, ठीक है। तो क्या कौन कौन सा होता है, वो क्या होता है, यूनिफॉर्म नेमिंग स्कीम, हाँ सही है, यूनिफॉर्म नेमिंग स्कीम सही है। प्रोटोकॉल भी जरूरी है हमारे पास, बिना प्रोटोकॉल का डेटा सेंड नहीं होगा। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, लिंक जो क्लिक करोगे तो कोई दूसरा पेज ओपन हो जाए, तो हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, दूसरे पेज पे नेविगेट करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो तीनों आपका यहाँ पर जरूरी है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑल ऑफ द एबव,
तो अब लास्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं, लास्ट क्वेश्चन पढ़े हुए, थैंक यू। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपके लिए बहुत थैंक यू, ठीक है। आप इतना देर मुझे झेला, उसके लिए तहदिल से थैंक यू, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, उसके बाद जो है खत्म करते हैं। तो व्हाट इज द करेक्ट एचटीएमएल फॉर मेकिंग ए इनपुट टेस्ट इनपुट फील्ड। टेस्ट इनपुट फील्ड क्या होता है आपका? दो पहले देखो, पहला टाइप इक्वल टू टेस्ट फील्ड, ऐसा नहीं होता कुछ भी, ये भी नहीं होता है टेस्ट टेक्स्ट फील्ड, ऐसा नहीं होता। टाइप इनपुट टाइप इक्वल टू टेस्ट, हाँ ये आपका करेक्ट आंसर है, यही आपका सही आंसर होता है, ठीक है। तो इस वेब सीरीज में यही था, 20 क्वेश्चन थे, ठीक था इस सीरीज में, वेब सीरीज बोल रहे हैं, मैं आजकल ज़्यादा वेब सीरीज देखने लगा हूँ लगता है, ठीक है। चलो ये तो इस पार्ट में आपका 20 क्वेश्चन थे, आगे नेक्स्ट मिलेंगे आपको, उसमें भी 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इस तरह से करके आप जो है, अगर आप धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो, तो वेब सीरीज में फिर वेब सीरीज निकल गए, इस सीरीज में जो है आप जुड़े रहो, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वीडियो में, ठीक है। वहाँ पर भी आप मुझे एचटीएमएल के ऊपर ही सारे क्वेश्चन देखोगे। तो अगर आपको वीडियो ये सीरीज अच्छा लगता है, और वीडियो अच्छा लगता है, तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, तभी आगे के सारे वीडियो एक्सेस कर पाएंगे इजीली, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। तब के लिए टाटा बाय बाय।